हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक फन लर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पर। तो दोस्तों, प्राइवेसी बहुत ही ज़रूरी है और आजकल हम व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो उसके साथ हम लोग कुछ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, उस पर डॉक्यूमेंट शेयरिंग कर रहे हैं, कैमरा, गैलरी, ऑडियो, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ें हम उस पर यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब यूज़ तो कर रहे हैं, पर अगर प्राइवेसी मेंटेन नहीं करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे साथ आ जाती हैं। जैसा कि कई बार हम लोग अपने स्टेटस शेयर करते हैं और बहुत सारे लोग उसको देख लेते हैं, जो कि जिन लोगों को हम दिखाना नहीं चाहते हैं, तो उनको हम ब्लॉक कर सकते हैं, उनको हम रोक सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग में। ये पीछे 3 डॉट दिख रहे हैं, इनमें सेटिंग, सेटिंग इन द अकाउंट, अकाउंट के अंदर प्राइवेसी। दोस्तों, यहाँ पर कई सारी प्राइवेसी के ऑप्शन जो हम दे अवेलेबल हैं, 4-5 ऑप्शन हैं जिनसे हम अपनी प्राइवेसी सेट कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट सीन, दोस्तों हम जब भी चैटिंग कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पर अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पर लास्ट सीन का ऑप्शन आता है जो कि हमारा स्टेटस शो करता है, हम लोग हमने कब अपना व्हाट्सएप लास्ट बार यूज़ किया था। तो उसको हम सेट कर सकते हैं, एवरी वन, नो माई कॉन्टैक्ट और नोबडी। अगर मैं नोबडी करता हूँ तो कोई भी मेरे को मुझको नहीं दे सकता कि मैं कब लास्ट ऑनलाइन हुआ था। प्रोफाइल फ़ोटो, प्रोफाइल फ़ोटो में जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग में प्रोफाइल फ़ोटो हम बहुत सेट करते हैं, तो उसमें कई बार हमारी पर्सनल फ़ोटो होती हैं, कई बार पब्लिक फ़ोटो होती है, तो पर्सनल होती है, प्रॉब्लम आती है। उसमें हम माई कॉन्टैक्ट सकते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट वाले पर्सन ही उस फोटो को देख पाएँ। अबाउट भी हम सेट करते हैं, माई कॉन्टैक्ट, एवरी वन और नोबडी। स्टेटस दोस्तों आजकल बहुत ट्रेंड में, हम लोग अपने अपने कहीं भी जाते हैं आउटिंग के लिए, कहीं घूम के आते हैं, कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं शादी करते हैं, या बहुत सारे इवेंट होते हैं, फिर हम लोग अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, उनको हम व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं स्टेटस पे। दोस्तों, स्टेटस को भी हम प्राइवेसी ला सकते हैं, क्योंकि स्टेटस में बहुत सारे जिसके पास हमारा नंबर है वो भी हमारा स्टेटस देख सकता है। तो उसको रोकने के लिए मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ माई कॉन्टैक्ट और माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट। ये एक फीचर और है यहाँ पे, एक्सेप्ट मीन्स छोड़ के, किसको हमको हम चाहते हैं किसको कौन सा पर्सन उसको ना देख पाए, तो वहाँ पे हम टिक कर सकते हैं कि ये 2 पर्सन मेरी कॉन्टैक्ट में है, ये मेरे स्टेटस को ना देख पाए, तो टिक करके मैं उनको हटा सकता हूँ। थर्ड वन है ओनली शेयर विद, कि मैं किन लोगों को मैंने स्टेटस दिखाना चाहता हूँ, मैं 2 लोगों को मेरा स्टेटस दिखाना चाहता हूँ, मैं उनको टिक करूँगा और ये 2 लोग मेरे स्टेटस को देख पाएंगे। तो इस तरीके से हमने मेरा स्टेटस की प्राइवेसी को सेट कर सकता हूँ, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। डन। रीड रिसिप्ट दोस्तों, कि अगर मेरा कोई मैंने किसी को कुछ सेंड किया है व्हाट्सएप पर, तो उसकी रिसिप्ट में आ जाए ब्लू टिक, टिक देन ब्लू टिक। ग्रुप, आजकल दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि हम लोग कोई भी हमको अपने ग्रुप में ऐड कर लेता है, जिसको हम जानते भी नहीं हैं, उस पर हमारा नंबर होता है, वो हमको हमारे नंबर को ऐड कर लेता है अपने ग्रुप में। तो उसको रोकने के लिए भी यहाँ पे हमारे पास सेटिंग रखी है, एवरी वन, माई कॉन्टैक्ट, नो बडी। एवरी वन करते हैं तो कोई भी मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर सकता है बिना मेरी कंसेंट के, पर मैं एग्जिट हो सकता हूँ बाद में उससे। माई कॉन्टैक्ट में से मेरे कॉन्टैक्ट वाले ही मुझको अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, उसमें भी मैं अपने इच्छा से एग्जिट हो सकता हूँ। नो बडी में कोई मुझे अपने ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। लाइव लोकेशन दोस्तों, लाइव लोकेशन हम नहीं शेयर कर सकते हैं। ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, और जो कॉन्टैक्ट ब्लॉक हो जाते हैं उनको यहाँ पे हमारे विजिबल होते हैं। तो दोस्तों, प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है हमको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इससे हम बहुत सारी अनचाही परेशानियों से जो कि हमको फेस करनी पड़ती हैं, इसके लिए हमको कंप्लेन करनी पड़ती है पुलिस में जाके, कोर्ट में जाके, वो हमको उनसे छुटकारा मिल जाता है। इसलिए प्राइवेसी को हमेशा ध्यान में रख के अपने व्हाट्सएप को यूज़ कीजिए। थैंक यू दोस्तों। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आप मेरे रेगुलर वीडियो अपडेट ले पाएँ। हैप्पी लर्निंग।